नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सूरज, टेक फ्यूचर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं पिक्सी ओएस के बारे में। जी हाँ, ये है Redmi Note 5 Pro के लिए और भी कई सारे फोन्स के लिए आपको मिल जाएंगे इसलिए फोरम पे। फिलहाल ये मेरे पास में Redmi Note 5 Pro है और यहाँ पे पिक्सी ओएस है, एंड्रॉयड वर्जन है 9.0.0। तो फिलहाल ये जो पिक्सल बेस्ड ऑन पायरोम तो पिक्सी ओएस है। और यहाँ पे सिक्योरिटी पैच की बात करते हो दोस्तों, यहाँ पे 5 सितंबर 2018 का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो सो जितने भी इस तरीके ये जो आपको एंड्रॉयड पाई वाला गेस्चर सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम बैक बटन में जाते हैं। एडवांस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ये गेस्चर्स को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, स्वाइप अप गेस्चर को, जो कि आपको एंड्रॉयड पाई वाला गेस्चर्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं बैक। और यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कुछ भी नहीं, ये जैसे बिल्कुल क्लीन ओएस है एक तरह से। आपको जैसे ये बिल्कुल मिलेगा पिक्सल के जैसे कि आप पिक्सल एक्सपीरियंस अगर आपने यूज़ किया होगा तो बिल्कुल आपको पिक्सल एक्सपीरियंस वाला यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिजिटल वेलबिंग मिल जाता है जिसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि आप जैसे कितने टाइम में क्या क्या चीज़ें यूज करते हो, ठीक है। अब आते हैं बैक पे और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। नेटवर्क की बात करें तो दोस्तों ये जो वाईफाई से कनेक्टेड आराम से हो जाता है, वाईफाई वर्किंग है। चलिए हम यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर ले रहे हैं अपने फ़ोन में। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई हमारा जो हो गया कुड नॉट कनेक्टेड। ओके, कोई नहीं, तो वाईफाई यहाँ पे वर्किंग है, ब्लूटूथ भी यहाँ पे वर्किंग है। और साथ ही साथ हम बात कर ले कॉलिंग की तो दोस्तों जियो कॉल जो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे जियो कॉल का 198, एंड ये जो अभी जियो से हो रहा है कॉलिंग बाय जियो। वेलकम टू जियो, हिंदी के लिए एक दबाएं टू कंटिन्यू। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जियो कॉल भी वर्किंग है और एंड्रॉयड पाई वाला जो फीचर है वो भी फीचर बहुत ही अच्छा है, जो कि आप जैसे ही कॉल करते हो और अगर होम बटन प्रेस कर देते हो तो आपको एक छोटा सा स्मॉल सा यहाँ पे हिंदी के लिए एक दबाएं टू कंटिन्यू इन इंग्लिश, यहाँ पे एक स्मॉल सा अगर आप जब कॉलिंग हो रहा होगा कॉलिंग के टाइम में आप होम बटन प्रेस करोगे तो आपको स्मॉल सा यहाँ पे आ जाएगा जिससे आप डायरेक्टली कॉल कट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो कैमरा मिलता है, कैमरे की बात करें तो कैमरा जो यहाँ पे AI बेस्ड ऑन कैमरा मिलता है वो है MI वाला कैमरा। अगर आप गूगल कैमरा यूज करना चाहते हो दोस्तों, आपको गूगल कैम के लिए कैमरा 2 API एक्टिवेट करके आपको गूगल कैम डाउनलोड करके इसमें फ्लैश करना, फ्लैश नहीं, आपको इंस्टॉल करना होगा। और गूगल कैम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ इस रोम के बारे में बात करें तो दोस्तों यहां पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ब्लोटवेयर्स की बात करें तो कुछ भी नहीं है, आपको म्यूजिक ऐप भी नहीं मिलता। आपको म्यूजिक ऐप डायरेक्टली डाउनलोड करना है या फिर गूगल का म्यूजिक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। गैलरी में मैं इस गैलरी से ज़्यादा अच्छा सजेस्ट करूंगा कि कैमरा क्विक पिक आप यूज कर लो, और बाकी कुछ इस रोम में खास है नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि ये रोम जो काफ़ी स्मूथ चल रहा है। बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, मैंने इसे यूज़ किया है इन प्रीवियस, काफ़ी पहले भी यूज़ किया है और अभी भी यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। और आप देख सकते हैं ये जो अभी भी चल रहा है, और चलिए ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 3% कैमरा, वॉइस में 2%, फ़ोन में भी 2%। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अभी ये करीब करीब 80% पे चार्ज था और 80% के बाद में अभी 5% डाउन हुआ है और 37 मिनट का स्क्रीन ऑन यूज है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। बटन्स की बात करें तो आपको जैसे ये थोड़े बहुत लेआउट चेंज करने को मिलता है, जो कि है ये बटन्स वॉल्यूम रॉकर की। वॉल्यूम रॉकर को अब अगर इस टाइप में घुमाते हो तो उसके बाद में, या फिर आप म्यूजिक चेंज करने के लिए इसे यूज कर सकते हो, तो प्लेबैक कंट्रोल हो गया या फिर वॉल्यूम रॉकर वेक हो गया, जबकि पावर बटन अगर काम ना करे तब यूज करने के लिए है। इसके अलावा नेविगेशन बटन में आप जैसे थोड़ा बहुत लेआउट चेंज कर सकते हो, जैसे कि एक्स्ट्रा बटन जो इसमें आता है टर्न करने पे, जो एक्स्ट्रा बटन यहाँ पे आ जाता है टिल्ट करने वाला, वो फीचर के लिए। चलिए, और ये हो गया हमारा पावर मेनू में आपको फ्लैश लाइट, एरोप्लेन सेटिंग, लॉकडाउन एंड यूजर लॉग आउट, ये सारा कुछ मिल जाता है। स्क्रीनशॉट मैंने ऑन कर रखा है ऑलरेडी, तो ये रहा हमारा स्क्रीनशॉट का बटन। तो ये सारे कुछ आपको पावर बटन में मिल जाता है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपको जैसे इसी तरीके से मिलता है डायरेक्टली पावर बटन एंड यहाँ पे डाउन में मीडिया वॉल्यूम, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन आप चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत, बैटरी चार्जिंग लाइट, तो मतलब कि वो तो व्हाइट लाइट ही है तो सिंगल एक ही रहेगा। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट और स्टेटस बार आइटम, तो स्टेटस बार आइटम में हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे वोल्टी का आइकन है कि नहीं। नहीं तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टी का आइकन अभी भी फिलहाल नहीं है। ट्रैफिक इंडिकेटर आप एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर हो गया। तो दोस्तों ये था इस रोम के बारे में, ये काफ़ी स्मूथ रोम है, काफ़ी अच्छा रोम है। तो
तो चलिए हम फटाफट से इसको जो सो फ्लैश करने का देख लेते हैं कि कैसे आपको फ्लैश करना है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एडवांस रिबूट का ऑप्शन, तो चलिए हम यहाँ से एडवांस रिबूट कर लेते हैं, मतलब कि रिकवरी मोड में। अगर आपके पास में ये ऑप्शन नहीं है तो आप इसको कर दीजिए पावर ऑफ, देन उसके बाद में पावर बटन एंड वॉल्यूम आपकी को एक साथ में दबा के रखेंगे तो आपका फ़ोन जो है रिकवरी मोड में बूट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारा फ़ोन जो सो रिकवरी मोड में डायरेक्टली बूट हो रहा है, तो वेट कर लेते हैं जस्ट। ये आ गया हमारा रेड वुल्फ रिकवरी मोड। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे रिकवरी मोड में आने के बाद में सबसे पहला तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहले आप इसमें बैकअप ले लीजिए। अगर आपके साथ में कुछ भी बुरा होता है तो आपके पास में कम से कम बैकअप होगा, उसे आप रिस्टोर कर सकते हो। उसके बाद में बैकअप ले लेने के बाद में दूसरा काम जैसे है वाइप में आप जाइए, एडवांस वाइप, फिर आपको टेलविक सिस्टम कैश डेटा सॉरी इंटरनल नहीं सिस्टम एंड वेंडर, आपको इन चीज़ों को कर देना है। टेक इंटरनल स्टोरेज आपको वाइप करना पड़ सकता है अगर आप एंड्रॉयड 8.1.0 से माइग्रेट करके आ रहे हो एंड्रॉयड 9 पे। ठीक है, तो हमने इसको सिस्टम को कर दिया वाइप। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ इंस्टॉल पे। इंस्टॉल में आने के बाद में आपको जो है सो यहाँ पे पिक्सी ओएस 2.1 मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे हम ऐड कर ले रहे हैं ओपन जी एप्स, तो ओपन जी एप्स भी हमने ऐड कर लिया। ठीक है, और अब इसे हम कर दे रहे हैं स्वैप टू इंस्टॉल। तो दोस्तों यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना है जब तक हमारा रोम फाइल जो है इसमें इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रोम फाइल और जी एफ फाइल दोनों जो है फ्लैश हो चुका है, आप देख सकते हैं। और चलिए अब जो है हम इसे कर ले रहे हैं रिबूट टू सिस्टम, और जस्ट हमारा फ़ोन जो है रिबूट हो जाएगा और उसके बाद में हमें इनिशियल स्टेप पूरे करने और इनिशियलाइजेशन करने के बाद में आप इसे यूज़ कर सकते हो पिक्सी ओएस को। ओके, तो जस्ट वेट कर लेते थोड़ा सा इसे हम बूटअप होने के लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा इनिशियल स्टेप्स, आप देख सकते हैं इसको कर ले रहे हैं फटाफट से स्टार्ट और सब कुछ। फिलहाल के लिए स्किप। ओके, या तो यहाँ पे हम जो एक बार फिंगरप्रिंट चेक कर ले रहे हैं दोस्तों, तो चलिए फिंगरप्रिंट को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फिलहाल इसमें जो फिंगरप्रिंट काफी अच्छे तरीके से वर्क कर लेता है, आई मीन करता ही है, तो आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इस तरीके से आपको जो है इनिशियल में इस तरीके से तीन बटन मिलेंगे, इसी को आपको रिमैप करना है वहां पे हम ऑन। ओके, तो हम आते हैं सेटिंग में, और सेटिंग में आपको जो है बटन्स में जा करके इसे नेविगेशन बटन को सॉरी सिस्टम में गेस्टर्स में जाके स्वैप अप को इसको एक्टिवेट कर देना, तो उसके बाद में आपको मिल जाएगा इस स्वैप अप वाला गेस्टर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये था इस रोम के बारे में। फिलहाल यहाँ पे चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं फिंगरप्रिंट के बारे में। तो दोस्तों फिंगरप्रिंट थोड़ा सा स्लोली यहाँ पे एक्टिवेट होता है MIUI के हिसाब में, तो इतना भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है। और ये रहा इस रोम के बारे में और इस रोम को कैसे फ्लैश करते इसके बारे में। तो दोस्तों आशा करता ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट। जी हाँ, और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मैं आपके लिए रोजाना इसी तरीके का वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।